हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एंजल टैक्स को लेकर के है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी ये कहता है कि यदि कोई कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है और ये शेयर्स एक ऐसी वैल्यू पर इशू किए जाते हैं जो कि उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर इशू किए जाते हैं, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो असेसी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर एडबैक किया जाना चाहिए। हालांकि रीसेंट बजट के अंदर एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि जब एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और इस बजट तक के, तो उसके बीच के जो केसेस हैं वो काफी लिटिगेशन के अंदर हैं। और जैसा कि इंडियन इनकम टैक्स का इतिहास रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार फिर दोबारे 2 या 4 साल बाद दोबारे एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि काफी सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो एक बार एबॉलिश कर दिए जाते हैं, उनको री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और फिर दोबारे वो एबॉलिश कर दिए जाते हैं। प्रेजेंट केस में जो इशू अहमदाबाद ITAT के सामने था वो ये था कि यदि राइट इशू करके कोई शेयर्स इशू किए जाते हैं, राइट इशू का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो क्या उस परिस्थिति के अंदर भी असेसी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी लागू किया जा सकता है। यही इशू प्रेजेंट केस टिक्की तार इंडस्ट्रीज बड़ौदा लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। ये केस 113 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 388 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट अहमदाबाद ITAT की ए बेंच ने 24 जनवरी 2024 को दिया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2014-15 से रिलेटेड है और प्रेजेंट केस में असेसी ने 5 लाख शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से 50 रुपीज प्रीमियम पर इशू किए और टोटल प्रीमियम का अमाउंट जो है वो 2.5 करोड़ था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने इस इशू ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट किया और कोई भी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 बी के अंदर एडिशन नहीं किया। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी ने एक वैल्यूएशन कराई थी रूल 11UA के अंदर, उस वैल्यूएशन के मुताबिक जब यह वैल्यूएशन की गई थी तो कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स थे उन शेयर होल्डर्स के जिनको ये शेयर्स इशू किए गए थे, उस अनसिक्योर्ड लोन को वैल्यू निकालने के लिए माइनस नहीं किया गया था। जब CIT ने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो CIT ने 263 के अंदर असेसी की रिवीजन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया और यह कहा कि जो 11UA के अंदर वैल्यू निकाली गई है वो ठीक नहीं है और यदि हम लोन्स को माइनस करेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू गिर जाएगी और अकॉर्डिंगली सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 बी के अंदर असेसी का एडिशन बनेगा। तो इस लिहाज से जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है वो प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है और इरोनियस है। असेसी ने इस ऑर्डर के अंगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी। ये अपील 262 डेज लेट थी जो कि ट्रिब्यूनल ने इस कंडोनेशन को अलाउ किया। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस मिस्ट कतिजी जो कि एक फेमस केस है कंडोनेशन में और जो 190 जो कि 1987 का केस है 167 ITR पेज नंबर 471 पर रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक असेसी को कंडोनेशन अलाउ किया। और ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि जो CIT है उसने सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 बी को मिस अप्लाई किया है, क्योंकि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 बी एक राइट इशू पर एप्लीकेबल नहीं होता और उस आधार पर असेसी का सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन नहीं किया जाना चाहिए। पूरे केस का नटशेल यह है कि चाहे असेसी ने वो लोन्स अपनी
फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए डिडक्ट किए हों या ना किए हों, इससे पूरे केस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी है वो एक राइट इशू पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो रिवीजन प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है टिकी तार इंडस्ट्रीज बड़ौदा लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 388 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।